everybody, I am Nivetha Jaiswal. Welcome back to my channel Nirvila Classes. आज हम लोग बात करेंगे बिहार में जो एग्जाम हुआ है PCSJ के, उसका मैं जनरल स्टडीज का क्वेश्चन लेके आई हूँ. अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं, अगर आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन को बिहार के PCSJ में पूछा गया है, यानी जनरल स्टडी जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है. तो अभी आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है आपके UP PCSJ एंड राजस्थान में भी अभी एग्ज़ाम होने वाला है, एंड अभी झारखंड वगैरह का भी पेपर, झारखंड वगैरह के भी जो फॉर्म है अभी अवेलेबल है नेट पर. तो आपको इसे अगर मैं ये क्वेश्चन बता दूँगी तो आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा. तो मैं वन बाय वन बताने की कोशिश करूंगी ताकि आप समझ सकें. एंड मैं बता सब सारे क्वेश्चन तो मैं सॉल्व नहीं करा पाऊंगी, लेकिन जितने मेरे वीडियो में बन पा रहे हैं उतना को मैं बता देती हूं, ताकि आपको यह बहुत ही एग्जामों में, आगे के एग्जामों में हेल्पफुल साबित हो, एंड आपको पता चले कि बिहार के जो PCSJ के एग्ज़ाम है, जनरल स्टडीज़ में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन है, ये आपको पता चल जाएगा. तो उस राज्य को, पहला क्वेश्चन है, मैं ऐसा नहीं कि वन बाय वन बताने की कोशिश करूंगी, जितना मैंने सॉल्व किया है, जितना मैंने सही टिक लगाया है उसको बताऊंगी. तो उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है. तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि हमारे देश की कौन सी राज्य है जिसकी सीमा अधिक राज्यों की सीमा से टच करती है. तो आपको इसका आंसर उत्तर प्रदेश देना चाहिए था, क्योंकि इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है. तो हमारे ख्याल से इसका आंसर गुजरात होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी. तो गुजरात इसका आंसर होना चाहिए. एंड वैनगंगा की सहायक नदियाँ, यानी थर्ड क्वेश्चन मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि वैनगंगा की सहायक नदी कौन सी है. तो वैनगंगा की सहायक नदी है वो गोदावरी है. गोदावरी इसका आंसर होगा. एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना चाहती हूँ कि निम्नलिखित भारत के बड़े बंदरगाहों में से किसका नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम से रखा गया है, फिर से रखा गया है. तो दीनदयाल पोर्ट का जो नाम है वो कांडला में रखा गया है. कांडला में दीनदयाल पोर्ट है. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना चाहती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2018 की मेज़बानी की थी. तो फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी जो है रूस ने किया था. यहाँ पे बहुत सारे जो टिक लगाने के लिए दिया गया है, तो इसमें बताया गया है कि सही उत्तर का चयन करें, तो ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा. तो इसलिए मैं जो सिंपल जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, जो वन लैंग्वेज में इसका आंसर आ रहा है, वन सेंटेंस में इसका आंसर आ रहा है, उसी को बताने की यहाँ पर मैं बता रही हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो. एंड 2022 के एशियन गेम्स जो है कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे. तो ये चीन में आयोजित किया जाएगा. यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन जो है 2018 में जितने भी आपके करेंट अफेयर्स हैं उसके द्वारा पूछा गया है 2018. एंड आपको बताऊँगी किस तरीके के क्वेश्चन को पूछे गए हैं, और आप ये जो ल्यूशन का जो जनरल नॉलेज है उससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है. ल्यूशन का जनरल नॉलेज अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसमें से कम 90-80% आप सही टिक लगाएंगे जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन में. इसमें आपको मैं बता दूं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं. इसमें जो बौद्ध की जो जीवनी हो गई, और आगे मैं बताते जाऊंगी क्वेश्चन, बौद्ध की जीवनी, महावीर की जीवनी, और कौन कौन से जो पूरा पाषाण में कौन से सिक्के यूज़ होते थे, कौन से क्या यूज़ होते थे, इस तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ पे हिस्ट्री में दिया हुआ है. और इसी से जनरल स्टडीज़, यानी ल्यूशन का जनरल नॉलेज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एसआई मात्रक भी बहुत सारे पूछे गए हैं. मैं आपको वन बाय वन बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे. तो यहाँ जो तो भारत में UNO के महासचिव कौन है. तो UNO को महासचिव है एंटोनियो गुटेरस. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिकेट ऑफ द ईयर 2070 किस क्रिकेट खिलाड़ी को दिया गया है. तो आई थिंक विराट कोहली होगा इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस देश में विश्व का सबसे बड़ा एयर प्यूरीफायर बनाया गया है. एयर प्यूरीफायर जो है चीन में बनाया गया है, विश्व का सबसे बड़ा एयर प्यूरीफायर है.
फायर है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का यही उद्देश्य है कि भारतीय विरासतों को वापस लाना, भारत में वापस लाना, जो भारत की जो संस्कृति एवं पुरातात्विक विरासत है उसको भारत में वापस लाना. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने किन योजना की स्वीकृति प्रदान की है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इंडिया हैकथन प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इंडिया हैकथन प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया था. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य में रक्षाबंधन, अगर आप कॉपी पेंसिल में कॉपी से और पेन से नोट कर लेते हैं तो आपको बहुत ही आसान होगा समझने में कि किस तरीके के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है PCSJ के एग्जामों में. जनरल स्टडीज के क्वेश्चन को किस तरीके के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप समझ रही होंगी कि ये तो मध्य प्रदेश में वृक्ष बहुत सारे पाए जाते हैं, तो इसका आंसर मध्य प्रदेश होना चाहिए, लेकिन नहीं है, यहाँ बिहार इसका आंसर होगा, क्योंकि वृक्ष सुरक्षा दिवस जो नीतीश कुमार है उनके द्वारा रक्षाबंधन के दिन वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर बिहार होगा. किस एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ घोषित किया गया है? अटल पथ घोषित किया गया यानी अटल बिहारी वाजपेयी के मरने के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को अटल पथ के नाम से घोषित किया गया है. वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, आपको पता होगा कि इसका आंसर रंजन गोगोई होगा. ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मदद किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन मदद जो है, केरल में बाढ़ जो आया था तो उसके पीड़ितों के बचाव के लिए ऑपरेशन मदद को संबंधित किया गया है. DMK के वर्तमान अध्यक्ष जो है, वर्तमान अध्यक्ष इसमें मुझे कंफ्यूजन है, या तो करुणानिधि हो सकता है या MK स्टालिन हो सकता है, आप देख लीजिएगा इसका आंसर. और स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किन से संबंधित है? तो ये 2018 में अभी जो नरेंद्र मोदी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो वल्लभ भाई पटेल की जो बहुत बड़ी प्रतिमा को स्थापित किया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है, तो ये वल्लभ भाई पटेल, ये 2018 की जो करेंट अफेयर्स है उससे क्वेश्चन आया. तो यहाँ पे ये आयुष्मान भारत दिवस घोषित किया गया है, इसका आंसर क्या होगा? या तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दशहरा, धनतेरस, दिवाली या रामनवमी. आई थिंक दशहरा होना चाहिए इसका आंसर, या इसको आप देख लेंगे. ओके. अब यहाँ पे मुगल सराय जंक्शन जो रेलवे स्टेशन, आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अभी तुरंत जो हमारी योगी सरकार जो है, योगी जी द्वारा दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है, मुगल सराय जंक्शन का नाम रखा गया है. अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है? तो अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान जो है, जनरल दलबीर सिंह सुहाग को दिया गया है. जनरल दलबीर सिंह सुहाग जो है उनको दिया गया है. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बेबी रानी मौर्य किस राज्य की राज्यपाल नियुक्त की गई हैं? तो बेबी रानी मौर्य जो हैं उत्तराखंड की राज्यपाल नियुक्त की गई हैं. एक्चुअली में इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन 4 ऑप्शन अगर बताने लगूंगी एंड फिर इसका नेक्स्ट आंसर दूंगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए सही आंसर है उसको मैंने मिला के इसमें आंसर टिक लगा के इसके बाद में मैं आपको बता रही हूँ. ओके. अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार यानी NRC को प्रकाशित किया था? तो असम ने सबसे पहले सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार है उसको शुरुआत किया था असम ने. ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे मात्रक से 3 क्वेश्चन आया है. मात्रक जो SI मात्रक होता है उससे 3 क्वेश्चन पूछा गया है. किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होगा, इसलिए आप जरूर मात्रक को एक बार जरूर देख लेंगे. ओके. अब यहाँ पर पूछा गया है कि किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है, तो किलोवाट घंटा का मात्रक होगा ऊर्जा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसका ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर है उसमें यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, जो यूरेनियम है उसका उपयोग किया जाता है. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि MRI मशीन में किस प्रकार के तरंग का उपयोग होता है? तो MRI मशीन जो
जो हमारे अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसको देखने के लिए एमआरआई मशीन का उपयोग किया जाता है। इससे व्यक्ति को एमआरआई मशीन के अंदर डाला जाता है और उसमें जो भी एक्स किरणें चुंबकीय किरणें निकलती हैं और उसके द्वारा तो इस प्रकार इसमें चुंबकीय किरण का उपयोग किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो ये हम जब 9th 10th में जब साइंस की जब पढ़ाई करते हैं फिजिक्स की, तो उसमें यह जरूर क्वेश्चन रहता है कि लेंस की शक्ति जो है डायोप्टर से मापी जाती है। ओके, तो आप फिजिक्स को भी जो 9th 10th के जो आपके बुक हैं उसको भी आप देख लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन को पूछा गया है। फर्मी का मात्रक क्या होगा, मैंने आपको बताई थी कि मात्रक से 3 क्वेश्चन आए हैं, किलोवाट घंटा का मात्रक, फर्मी का मात्रक और एक और मात्रक से क्वेश्चन आया है। तो फर्मी का मात्रक होगा लंबाई, आप इसे भी नोट कर लेंगे। अब कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन प्रयोग करती है, तो ये इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एक्सरे, पराध्वनिक तरंगे, रेडियो तरंगे, औरक तरंगे। तो एक्सरे किरण है कि जो सीटी स्कैन में प्रयोग होने वाला एक्सरे किरण उपयोग होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि एक मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन पूछा गया है एकमात्र, और बहुत ही इजी और सिंपल है। तो बाइनरी कोड की संख्या 7 लिखी जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 111 यानी 111 आप निकाल लेंगे इसको, बाइनरी कोड आपको आता होगा तो इसको निकाल लेंगे, तो जो आंसर होगा वही इसका ऑप्शन में आप टिक लगाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे अधिकतम रहता है, तो सिलिकॉन, इसका आंसर होगा सिलिकॉन। इसरो का प्रधान कार्यालय कहाँ है, इसरो से बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं आपको लॉन्च होते हैं, तो इसका प्रमुख कार्यालय ये बेंगलुरु में है, इसका आंसर इसका बेंगलुरु में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे, तो ये भी जो है आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन से जो 8th 9th के या 10th के बुक पढ़ते हैं उसमें यह क्वेश्चन जरूर दिया रहता है। अगर आप एक्चुअली में जितने भी लोग स्टूडेंट हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री जरूर रहता है, तो आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री है 8th 9th 10th के जरूर एक बार पढ़ लेंगे। तो ये पेनिसिलिन का आविष्कारक जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है। वायरस द्वारा होने वाले रोग हैं, वो वायरस द्वारा आई थिंक सामान्य जुकाम हो सकता है, या इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, इसका ऑप्शन है टाइफाइड, कालेरा, सामान्य जुकाम एवं टिटनेस। तो आप इसका आंसर को देख लेंगे, समझ लेंगे और इसमें टिक लगाएंगे, बिकॉज मेरे ख्याल से आई थिंक कि ये सामान्य जुकाम होगा। अब यहाँ पे बात आती है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टरों में किस प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है, ये भी पूछा गया है। परमाणु रिएक्टरों में किस प्रक्रम द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो नाभिकीय विखंडन जो है उसके द्वारा विद्युत को उत्पादित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया था, तो आपको बता दूं मैं कि विश्व ने सबसे पहला जो है मैक्सिको ने डेंगू का जो वैक्सीन है सबसे पहले उत्पादित किया था। भारतीय प्रथम जो प्रथम भारतीय उपग्रह है आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, ये सब जो आर्यभट्ट हो गए हैं या आपके और जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, तो उसको आपको याद रखना होगा कि कौन किस ईस्वी में छोड़ा गया था, किस ईस्वी में इसको प्रक्षेपित किया गया था, तो किस ईस्वी में इसको लॉन्च किया गया था, तो इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर होगा 1975, आर्यभट्ट जो है 1975 में यह किया गया था, लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर TERLS क्या है, तो ये TERLS नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे पूछा गया है। तो ये एक रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन है, रॉकेट जो प्रक्षेपण स्टेशन है इसके, ये जो थुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, यहाँ पे आपको बताइए कि रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन है थुम्बा। ओके, ओम का मात्रक, यहाँ पे भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताई थी कि 3 मात्रक पूछा गया, तो ओम का मात्रक होगा प्रतिरोध, इसलिए आप जरूर 8th 9th और 10th की जो फिजिक्स केमिस्ट्री का बुक है उसको जरूर एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन को बिहार में पूछा गया है। और जो अब मैं जो नेक्स्ट है आपको, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड बेल आइकन क्लिक कर लेंगे। थैंक यू।